जेएनयू हिंसा मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। इस बीच जेएनयू प्रशासन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली पुलिस ने गठित की जांच टीम। जॉइंट सीपी शालिनी सिंह की अगुवाई में 2 एसीपी 4 इंस्पेक्टर करेंगे हिंसा केस की जांच। हमले के बाद जेएनयू कैंपस में खौफ। बाहर निकलते दिखे छात्र, डरे सहमे परिजनों ने घर लौटने को कहा। जेएनयू हिंसा के चश्मदीद प्रियंका बेहद डरी दिखी, कहा मारपीट करने वाले नकाबपोश जेएनयू के छात्र नहीं, बाहर से आए गुंडे। जब 2 बार ऑलरेडी हो चुका था, सुबह से ही हो चुका था, पहले दिन भी हुआ है, तो शायद से ये रुक जाना चाहिए था। जेएनयू हिंसा में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, कुछ नकाबपोशों की पहचान का किया दावा। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा जेएनयू हिंसा का ठीकरा लेफ्ट और कांग्रेस पर फोड़ा, साथ ही जांच जारी रहने और पुख्ता होने का दिया हवाला। जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने छात्रों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साबरमती हॉस्टल के कुछ छात्राओं का आरोप, बाहर से जेएनयू में घुसे थे नकाबपोश, एबीवीपी के लोग भी उनमें थे शामिल। वारदात के दौरान छात्राओं ने जेएनयू के गेट पर करीब 300 बजरंग दल कार्यकर्ताओं को खड़े रहने का भी किया दावा। दिल्ली के जेएनयू में कल नकाबपोश गुंडों ने छात्रों पर किया हमला, हॉस्टल में घुसकर की मारपीट। जेएनयू के साबरमती और पेरियार हॉस्टल में मौजूद छात्रों पर गुंडों ने किया हमला, 34 छात्र जख्मी, 3 शिक्षकों को भी चोट आई। जेएनयू कैंपस में दौड़ा दौड़ाकर छात्रों को पीटा गया, चीखते चिल्लाते रहे छात्र। लाठी डंडों और रॉड से लैस 50 से ज्यादा नकाबपोश गुंडे 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक कैंपस में रहे मौजूद। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों और एबीवीपी छात्र संगठन का एक दूसरे पर हमले का आरोप, दोनों ने अपने अपने दावे किए। हिंसा में घायल 34 छात्रों को एम्स ने किया डिस्चार्ज, जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष भी गंभीर रूप से हुई थी घायल। I am not even in a condition to talk. I have been brutally beaten up. I have been brutally attacked by groups who wear masks. I don't know. I have been bleeding. I am not even in a condition to talk. I have been brutally beaten up. छावनी में तब्दील हुआ जेएनयू परिसर, पुलिस ने फौरन सभी गेट बंद किए, फिर आधी रात के बाद खोले। हिंसा के बाद जेएनयू पहुंचे दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा, छात्रों और शिक्षकों से की बात। तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जेएनयू कैंपस में किया फ्लैग मार्च, पूरी रात तैनात रहे पुलिस वाले। साबरमती छात्रावास के वार्डन राम अवतार मीणा ने इस्तीफा दिया, छात्रों की सुरक्षा नहीं कर पाने का दिया हवाला। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आज तक से बातचीत में कहा जेएनयू में काफी दिनों से जारी था विवाद, पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने की थी जरूरत। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी की बात से जारी था विरोध, 3 जनवरी को बिजली सप्लाई में बाधा डालने की हुई थी कोशिश। पिटाई से एक छात्र को लगी थी चोट, टूट गया था चश्मा। जेएनयू में 3 जनवरी को प्रदर्शन का एक और वीडियो भी सामने आया, सर्वर रूम में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने पहुंचे थे वसंत कुंज नॉर्थ थाने के एसएचओ ऋतुराज। जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के अंदर पहुंची आज तक की टीम, गुंडागर्दी के दिखे सबूत। एबीवीपी वाले का रूम है, इसके बाद कुछ नहीं टूटा इसमें। अच्छा, एबीवीपी वाले का रूम है, इसके बाद कुछ नहीं टूटा इसमें। अच्छा, एबीवीपी। खाना खाने वाले छात्रों से मेस में हुई मारपीट, वहां बिखरा पड़ा दिखा सामान। जेएनयू में हुई हिंसा के पीड़ित छात्रों से आज तक की खास बातचीत, बोले हमले के वक्त काफी डरे हुए थे छात्र। मुझको फर्स्ट फ्लोर से किसी ने फेंक दिया नीचे 2 घंटे में। क्या क्या क्या? फर्स्ट फ्लोर से बालकनी से किसी ने धक्का मार दिया मेरे को। आपको? 2 घंटे मारने के बाद। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जेएनयू कैंपस में हमले की निंदा की, छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा बहादुर छात्रों की आवाज से डर गई फांसीवादी सरकार। दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के नीचे आती है वो मूक दर्शक बनी बैठी है। मोदी जी और अमित शाह जी, देश के छात्रों और युवाओं को इतना परेशान और उत्पीड़ित मत कीजिए कि पूरा देश आपके सामने खड़ा हो जाए। मायावती ने जेएनयू हिंसा मामले में न्यायिक जांच की मांग की, कहा केंद्र घटना को गंभीरता से ले।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मांग, जेएनयू केस में गृहमंत्री अमित शाह या तो सख्त कार्रवाई करें या इस्तीफा दें। जेएनयू में हिंसा के खिलाफ कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, काली पट्टी और स्लोगन लिखे बैच लगाए दिखे एसएफआई के छात्र। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों का भी धरना जारी, सड़क पर डटे हैं छात्र। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू हिंसा के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। चेन्नई में लेफ्ट समर्थकों ने किया प्रदर्शन, जेएनयू में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया। बेंगलुरु में टाउन हॉल के बाहर प्रदर्शन, जेएनयू हिंसा के मुद्दे की गूंज। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू में हुई हिंसा का हुआ विरोध। पुणे में एफटीआईआई के छात्रों का फूटा गुस्सा, मशाल जुलूस निकालकर गुंडागर्दी का विरोध किया। आईआईटी बॉम्बे में भी जेएनयू के हमले के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने जताई नाराजगी। जेएनयू छात्रों के समर्थन में मुंबई में भी प्रदर्शन, गेटवे ऑफ इंडिया पर कैंडल मार्च, अभिनेत्री नंदिता दास भी हुई शामिल। एम्स में कई बीजेपी नेता भी पीड़ित छात्रों से मिलने पहुंचे, मीनाक्षी लेखी बोली, लेफ्ट से जुड़े छात्र अन्य छात्रों को परीक्षा देने से रोक रहे थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट, कहा छात्रों को मारो, अध्यापकों को मारो, पत्रकारों को मारो, ये कानून व्यवस्था का कौन सा मॉडल। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी जेएनयू हमले को बताया चिंताजनक, कहा गुंडों पर तय समय पर होनी चाहिए कार्रवाई। अखिलेश यादव ने भी हमले की कड़ी निंदा की, तत्काल उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने भी जेएनयू हमले की कड़ी निंदा की, छात्रों पर हमले को बताया शर्मनाक।